हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, फिर हमारा चैप्टर का नाम है द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट मैंने बताया था ब्रेन, सेकंड बताया था स्पाइनल कॉर्ड, फोर्थ बताया था सिंपल नर्व्स। ठीक है, हम ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है, फिर उसके बारे में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का पोजीशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो हमने बताया था तुमसे कि बैकबोन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड होता है, वायर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो फिर बैकबोन के अंदर से गुजरने का काम करता है और फिर वो ब्रेन को टच करता है। ठीक है, थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो होती है नर्व्स। जो नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं कि नर्व्स होता क्या है, नर्व सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो, मैंने इसके बारे में लिखा है कि इट कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है? सबसे पहले मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जितना मैसेज होता है ना, सबका सब मैसेज जो होता है बॉडी सिस्टम में, कहीं पे भी कोई फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या फिर कहीं पे भी कोई मैसेज क्रिएट हो रहा है, तो उस मैसेज को किसके पास ट्रांसफर किया जाता है, ब्रेन के पास ट्रांसफर किया जाता है। तो फिर ब्रेन के पास कैसे ट्रांसफर होता है? जैसे मान लो मैं हाथ में एक हाथ का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, चोट लग गया, फिर यहाँ पे जल गया मैं, ठीक है, या कुछ भी हो गया यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट हुआ कि हाँ यहाँ पे तुम्हारे चोट लग गया। ठीक है, तो इस मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाना है कि तुम्हारे उंगली में चोट लग गया या फिर तुम्हारे हाथ में चोट लग गया, तो इस मैसेज को पहुंचाना है किसके पास, ब्रेन के पास। तो ये कैसे पहुंचेगा? तो देखो, यहाँ पे इस ऑर्गेन के पास ना, हाथ के पास ना नर्व्स होता है। ठीक है, उस नर्व्स में मैसेज जाएगा कि ठीक है तुम्हारे हाथ पे चोट लग गया, तुम इस मैसेज को लेकर आगे बढ़ाओ। तो वो नर्व्स क्या करेगा, मैसेज को लेकर बढ़ेगा आगे और फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है, पीछे लिख के हड्डी, वो क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड पास करता है ब्रेन तक, तो वो जाकर नर्व्स बताएगा स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रिसीव करेगा, उसका फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रिसीव करते हुए आगे बढ़ा देगा किसके पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। ठीक है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो मैसेज यहाँ पे क्रिएट हुआ था कि यहाँ पे कुछ चोट लग गया है, फिर आग लग गया है, फिर जो भी प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, वो प्रोसेस जो हुआ है उसका मैसेज फाइनली किसके पास पहुंच गया, ब्रेन के पास फाइनली पहुंच गया। इसीलिए मैंने लिखा है कि इट कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैर, हाथ, आंख, कान, नाक, मुंह, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, जितना कुछ जो भी ऑर्गेन हो सकता है, वो ऑर्गेन हो सकता है जिसके अंदर मैसेज कोई भी क्रिएट किया होता है, तो वो नर्व्स वहां से रिसीव करता है मैसेज को और किसके पास पहुंचाता है, ब्रेन तक। तो ये ब्रेन का काम होता है, ये नर्व्स का काम होता है क्या करने का, मैसेज को पहुंचाने का, ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और ब्रेन के बीच का मैसेज बनाने का, मैसेज भेजने का, एक दूसरे का कोऑपरेट करने का, ये काम होता है किसका, नर्व्स का काम होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, मैंने सेकंड लाइन क्या लिखा है, दे आर मेड अप ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, अब जो नर्व्स है ये किसी चीज से तो मिलकर बना होगा, तो ये बना होता है नर्व्स से एंड न्यूरॉन सेल से। ठीक है, ये नर्व सेल होता है, नर्व सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, याद कर लो इसको, पूछा नहीं सकते नर्व सेल क्या होता है नहीं होता है। नर्व सेल होता है जैसे कोई भी आप तुम्हारा बॉडी सिस्टम है, अगर पूरा ऊपर से नीचे तुम एक ऑर्गेनिज्म हो, तो तुम्हारा तुम किस चीज से मिलकर बने हुए, तो ये सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते होते, तो मैं तुम्हारे बॉडी सिस्टम को देखकर बोल सकता हूँ कि तुम छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हो, लेकिन अलग अलग ऑर्गेन के लिए अलग अलग सेल होता है। ठीक है, सेल का काइंड होता है, वैसे ही ये नर्व्स जो होता है वो नर्व सेल से मिलकर बना होता है और न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर है? यही अगर मैं किसी दूसरे ऑर्गन के ले लूँ, नर्वस सिस्टम हटा के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के का जो भी ऑर्गन होगा वो दूसरे किसी सेल से मिलकर बना होगा, वहां पे फिर नर्व सेल नहीं मिलेगा। ठीक है, होगा तो सेल ही, लेकिन सेल का कोई अलग टाइप का सेल जो होगा जो कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को बनाने का काम करता होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हम नर्व्स की बात कर रहे हैं और नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नर्व सेल से ही नर्व मिलकर बना होगा और न्यूरॉन से मिलकर बना होगा। ये दोनों तुम्हें याद करना है कि जो नर्व्स होता है इससे बना होता है, नर्व सेल से बना होता है, न्यूरॉन सेल से बना होता है। ठीक है, अब देखो नर्व्स जो होता है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, जैसे कि ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ब्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, वैसे ही नर्व्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन जो होता है नर्व्स का वो 3 पार्ट्स में किया गया है। तो इसके काइंड्स 3 टाइप के हैं। अब देखो क्या क्या इसके काइंड्स है। सबसे फर्स्ट काइंड है इसका क्या, सेंसरी नर्व्स। ठीक है,
और सेकेंड में आता है हमारा मोटर नॉट्स, और थर्ड में आता है हमारा मिक्स्ड नॉट्स, ठीक है। अब तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सेंसरी नॉट का क्या काम होता है, मोटर नॉट का काम क्या होता है, और फिर मिक्स्ड नॉट का काम क्या होता है। देखो नॉट्स का काम क्या होता है, नॉट्स का काम होता है जो भी मैसेज होता है वो ऑर्गन्स किसके पास पहुंचाने का, ब्रेन के पास पहुंचाने का ऑर्गन्स। तो देखो ये तीन टाइप्स है, तीनों का अलग अलग प्रोसेस होगा क्या करने का, मैसेज को पहुंचाने का किसके पास, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाने का। ये तीनों को हम वन बाय डिस्कस करते हैं कि ये कैसे मैसेज पहुंचाता है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, ये तीनों कैसे मैसेज पहुंचाते हैं और कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं अभी हमारे सामने, ठीक है। सबसे पहले हम सेंसरी नर्व के बारे में टॉपिक डालते हैं तुम्हारा। क्या लिखा है सेंसरी नर्व के बारे में, ठीक है। सेंसरी नर्व के बारे में लिखा है कि दीस कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो मैंने बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जो भी प्रेजेंट है हमारे बॉडी सिस्टम में, हमारे पूरे शरीर में डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन है उसका, उस वहां पे जो मैसेज क्रिएट होता है उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, नर्व का होता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट नर्व का सेंसरी नर्व। तो देखो दीस कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो मैसेज क्रिएट होता है कहां पे, सेंस ऑर्गन, याद रखना जब भी इसका नाम है सेंसरी नर्व, ठीक है। जो भी सेंस ऑर्गन है उसमें जो मैसेज क्रिएट होता है उसको ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम किसका होता है, सेंसरी नर्व का होता है, ठीक है। किसमें, केवल और केवल पूरे बॉडी सिस्टम के सेंसरी ऑर्गन वाले ऑर्गन्स में, सेंसरी ऑर्गन के कोई भी पार्ट में अगर कोई भी मैसेज क्रिएट होता है तो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है, सेंसरी नर्व्स का होता है, क्लियर है। सेंस ऑर्गन क्या क्या हो गया तुम्हारा, फाइव टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ठीक है। अगर सेंसरी नर्व्स का काम सेंस ऑर्गन के अंदर जो मैसेज क्रिएट होता है उसको पहुंचाने का ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड का, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि देखने का जो काम होता है, जैसे हम किसी भी चीज को देख रहे हैं वो हो गया, या फिर हम कुछ भी सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम सुन रहे हो, या फिर तुम कुछ टेस्ट कर रहे हो, जो भी, ये तीनों मैंने एग्जांपल बताया, तो ये तीनों में से कोई सा भी अगर प्रोसेस तुम्हारे सामने हो रहा है तो इसको, इसके मैसेज को भेजने का, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूं, ये मैसेज तुम्हारा सेंसरी नर्व किसको भेजेगा, ब्रेन के पास भेजेगा और स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगा। मैं जो बोल रहा हूं तो वो तुम सुन रहे हो और फिर ये तुम्हारे ब्रेन तक पहुंच रहा है कि हाँ मैं बोल क्या रहा हूं, तो तुम समझ रहे हो। तो ये जो मैसेज पहुंचाया कौन, सेंसरी नर्व तुम्हारा, मेरे बोलने का जो भी मैसेज था वो तुम्हारे ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है, सेंसरी नर्व। तो ये होता है सेंसरी नर्व का काम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो नर्व्स का आयंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो,
सेकंड टाइप से इसका क्या होता है, मोटर नॉब। रुको यार फैन चालू करना ऊपर के लिए। देखो मैंने क्या लिखा, दीज कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू द ग्लैंड्स एंड मसल्स। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन जो होता है वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है किसके पास, ब्रेन के पास। उसके बाद उस ऑर्गन के पास भी तो ब्रेन मैसेज पहुंचाता है कि तुम्हें अब ये करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई जैसे तुम किसी हाथ तुम्हारा टच किसी गर्म चीज पर तुम्हारा हाथ टच करता है, ठीक है, हाथ टच कर गया ना तुम्हारा किसी भी गर्म चीज पर, तो सबसे पहले मैसेज क्या जाएगा कि जिस वस्तु पे या जिस ऑब्जेक्ट पे तुम्हारा हाथ टच किया वो बहुत गर्म है जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ जल रहा है, तो वो मैसेज उठाया किसने, नर्व्स ने। वो मैसेज किसके पास पहुंचा जाए, ब्रेन के पास। अब ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा जल्दी से, एकदम क्विक रिस्पॉन्स से प्रोसेसिंग करेगा कि ठीक है तुम्हारा हाथ जल रहा है तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, ब्रेन तुम्हारे हाथ को बोलेगा क्या कि तुम अब वहां से अपना हाथ उठा लो, तुम्हारा हाथ पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो ब्रेन था यहाँ प्रोसेस करके बताया किसको, हाथ को, कि अपना हाथ तुम हटा लो तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये मैसेज जो ब्रेन से उस ऑर्गन तक पहुंचा, ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैसेज है ब्रेन से उस ऑर्गन तक पहुंचा, ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है मोटर नर्व। इसीलिए लिखा हुआ है कि मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो मैसेज निकलता है वो ग्लैंड्स तक या फिर मसल्स तक पहुंचाने का। ये जो ऑर्गन है मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाथ का तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे ग्लैंड बहुत हमारे बॉडी सिस्टम में ना बहुत टाइप्स का ग्लैंड्स होता है। जैसे मैं तुम्हारा एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ छोटा सा, कि सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा हो गया तो जानते हो, उसमें होते हैं मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, लार लार इसी से बनता है सलाइवरी ग्लैंड से। धूप जो मुंह में इकट्ठा हो जाता है ना और इसी के कारण इकट्ठा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है रिलीज करता है, ठीक है, लार को रिलीज करता है, मतलब वो चिपका सामान से रिलीज करता है, चिपका मटेरियल टाइप से पानी के जैसा जो धूप होता है तुम्हारा, धूप ग्लैंड से रिलीज करने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर कुछ खाना खाए तो बिना अगर उस लार की मदद से तुम खाना घोट नहीं पाओ, ठीक है, खाना को स्मूथ बनाने का काम वो लार करता है। जैसे तुम खाना खाए तो अब तुम्हारे ब्रेन में मैसेज किया हुआ कि फ्रूट टेस्ट के थ्रू यहाँ तुम कुछ खा रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो ब्रेन वहां से सलाइवरी ग्लैंड को मैसेज पहुंचाएगा मोटर नर्व के थ्रू कि तुम अब क्या करो, वहां पे लार रिलीज करना शुरू करो, सलाइवा रिलीज करना शुरू करो, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा, सलाइवा बोलते हैं, जो लार जैसा होता है ना उसको सलाइवा बोलते हैं, तो ये सलाइवा तुम रिलीज करना शुरू कर दो, ठीक है। ये मैसेज किसके थ्रू आएगा, मोटर नर्व के थ्रू आएगा। एंड मसल्स, जैसे मैंने हाथ का एग्जाम्पल दिया कि हाथ तुम्हारा जल रहा है तो फिर हाथ के जो मसल्स होते हैं उसको मूवमेंट करना है, वहां से हटाना है अपने हाथ को जहां से हाथ जल रहा है, तो ये मैसेज मोटर नर्व के थ्रू आएगा, कहां से, ब्रेन से हाथ तक, ठीक है, कि तुम अब मसल्स का यूज करो और फिर वहां से हाथ को हटाओ, नहीं तो वहां हाथ लगा पूरा चल जाए, ठीक है, क्लियर। देखो ये खत्म हो गया, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट क्या करना चाहता है, इसको तुम नोट डाउन करते रहो, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन करने के बाद ये मिक्स्ड नर्व है, ठीक है, इसमें मैंने लिखा है कुछ लाइन, देखो एक लाइन दो लाइन लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कि दीज कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी ऑर्डर फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट।
ठीक है। सेंसरी नर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, सेंसर सेंसरी ऑर्गन से मैसेज उठाकर किसके पास पहुंचाता है, ब्रेन के बारे में पास पहुंचाता है। और मोटर नर्व्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये मोटर नर्व्स होता है ब्रेन से मैसेज उठा के ऑर्गन के पास पहुंचाता है, लेकिन ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है, नाम ही से पता चलता है मिक्सअप है। तो ये क्या करेगा, मैसेज टू द ब्रेन इस मिक्स नर्व के थ्रू ऑर्गन से मैसेज किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, और फिर ब्रेन से जो मैसेज होगा वो किसके पास जाएगा, ऑर्गन के पास जाएगा। तो इसके पास दोनों टेंडेंसी होता है, ब्रेन के पास भी पहुंचाने का मैसेज और फिर ब्रेन से जो मैसेज निकला वो ऑर्गन के पास भी पहुंचाने का, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कनेक्शन हो गया सेंसरी नर्व्स का और मोटर नर्व्स के बीच का, ठीक है। दीज आर द कनेक्शंस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व, ठीक है, ये दोनों का मिक्सअप है, इसीलिए इसका नाम है क्या, मिक्स्ड नर्व। ये तीनों का ये फीचर था, सेंसरी का जो था, मोटर का ये था, ये जो था, और फिर ये तुम्हारा सामने था इसका मिक्स्ड नर्व, ठीक है। चलो ठीक है, फिर सेशन यही हम क्लिक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक जो भी होगा। थैंक यू वेरी मच।